हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वाईफाई ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आईटीआई करने के बाद क्या आगे पढ़ाई करें कि किसी कंपनी में जॉब करें। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आपके मन में क्वेश्चन होंगे कि क्या हम आगे पढ़ाई करें कि किसी कंपनी में जॉब करें। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आगे आपको आईटीआई करने के बाद क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगूंगा कि आप मेरे चैनल को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और दोस्तों इसे अपने फेसबुक व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिल सके। ठीक है, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों उसके बगल में एक घंटे का आइकन मिल जाएगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए नए फार्मों की जानकारी और नए जानकारियों से आप हर रोज़ अपडेट रह पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब की पल पल की अपडेट मिलती है, इस चैनल पर नए नए फार्मों और इसी तरह की यूजफुल वीडियो की जानकारी आपको हर रोज़ मिलती रहेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे वाले बटन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि आईटीआई करने के बाद क्या करें। तो दोस्तों आईटीआई करने के बाद आपका बहुत से करियर होता है, बहुत से करियर आप में आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर करते हैं कि बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं कि वो 10 पास करके ही आईटीआई कर लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों किसी कंपनी में जॉब करने के सोचने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी एक सही तरीका है कि आप किसी कंपनी में आईटीआई करने पर जॉब करने लगते हैं। तो ठीक है, तो उसमें आपको इस क्या होता है कि उसमें आपको सैलरी तो मिलती है लेकिन उसमें अच्छी खासी अर्निंग नहीं होती है। ठीक है, उसमें आपको अच्छी खासी अर्निंग नहीं मिलती है, वो कंपनी अच्छी नहीं देती है। ठीक है, और कुछ समय बाद वो कंपनी आपको मतलब निकाल देती है अपने काम से, मतलब उसमें काम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, इसलिए हर कोई चाहता है कि हम सरकारी नौकरी में जॉब करें। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर अन्य पढ़ाई में आईटीआई के बाद अन्य लोग पढ़ाई भी करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आईटीआई करने के बाद क्या करें। तो दोस्तों आईटीआई करने के बाद एक तो आप 10 पास भी करने के बाद आईटीआई कर सकते हैं। तो दोस्तों 10 पास करने के बाद आईटीआई करेंगे तो उसमें आपको केवल रेलवे में नौकरी मिलेगी, और वो भी क्या करने को मिलेंगी, किसी पटरी पर आपको कुछ भी उठाने को बोल दिया जाएगा, या आपको स्टेशन पर रुक के झंडी हिलाने को, लाल रेड कलर को हिलाने को बोल दिया जाएगा, वो करना होगा। ठीक है, और दोस्तों बहुत से उसमें वर्क हैं जो आपको करना होगा। अगर आप आईटीआई इंटर पास पे करते हैं तो दोस्तों आपका आगे का करियर और भी सुविधा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इंटर पास करते हैं आईटीआई तो दोस्तों उसमें आपको अलग पोज में वैकेंसी मिल जाएंगी। ठीक है, उसमें आती है सरकारी रिजल्ट पर वैकेंसी आती है जो इंटर पास के लिए होती है, और उसमें आईटीआई भी मांगा जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी एक हाल ही में वैकेंसी आने वाली है वो लेखपाल की, तो दोस्तों उसमें आईटीआई कंफर्म है कि लगेगा। इस समय हर समय नहीं लगता था, लेकिन इस समय जो आने वाली लेखपाल की भर्ती उसमें आपका आईटीआई और CCC दोनों लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपका रहेगा तभी ना आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है इंटर का करियर, और ऐसे बहुत से फार्म है जो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पर बता नहीं सकता, लेकिन होता है करियर। ठीक है, अब तो हो गया एक करियर, अब क्या करें। आईटीआई के बाद अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, जैसे कि BSc BA, तो BSc करने का मतलब BSc अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर BA करते हैं तो उसमें तो आपको नहीं तो अच्छी बात है, लेकिन आप अगर BSc कर लेते हैं तो दोस्तों उसमें आपको जेई होते हैं जो आईटीआई के बाद यहाँ पर इंटर के अरे सॉरी दोस्तों यहाँ पर बीए के बाद जो आईटीआई कर लेते हैं वो जो जेई बन जाते हैं, जिनको जेई कहा जाता है, जूनियर इंजीनियर। ठीक है, जेई का मतलब बताया जूनियर इंजीनियर, इसका फुल नेम बताया, तो वो जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं। ठीक है, अगर वही आप BSc कर लेंगे तो वहाँ पर सीनियर यानी कि SE यानी कि सीनियर इंजीनियर बन जाएंगे, उससे हाई क्वालिटी का। तो दोस्तों ये करना आसान नहीं है, बहुत से कैंडिडेट्स करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। ठीक है, ये बहुत कठिनाइयों से होते हैं, लेकिन अगर कर लेते हैं बढ़िया से अगर तो आप जूनियर इंजीनियर के पद पर चले जाएंगे। ठीक है, जेई के जिन्हें जेई कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे करियर, और इसमें बहुत सारे करियर्स हैं जो आप आईटीआई की बात कर सकते हैं। अगर केवल 10 पास करना चाहते हैं तो आप आईटीआई कर सकते हैं, और आईटीआई करने के बाद जॉब किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर दोस्तों ये जानकारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाले बटन पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और वीडियो के में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।